दिनांक 10 जून 2009 को 6 ढाला प्रवचन क्रमांक 55 सुनिए। 5वीं ढाल प्रवचन क्रमांक 7। क्या कहा? भोगों में दुख लगना ये बोधि ज्ञान का फल है। वो अंतिम ग्रीवक लौ की हद पायो अनंत विरिया पर, एक बार दो बार नहीं, पंच परावर्तन के अंतर्गत अनंत बार ये पद प्राप्त हुआ। सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान, आत्मानुभूति, शुद्ध चैतन्य रस का भेद वो नहीं हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनि राजों ने अपने आत्मा में धारण किया। दुर्लभ निज में मुनि साधो, वास्तव में मुनिराज के जीवन में सम्यक ज्ञान की परिणति खुलकर दिखती है, गृहस्थों के जीवन में नहीं दिखती। गृहस्थों को तो लोग कह रहे हैं चक्रवर्ती का सम्राट साम्राज्य है, आज गुरुदेव कम 96,000 रानी, 96 करोड़ पैदल हैं, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, कितना कैलकुलेशन चक्रवर्ती की संपदा का। उसको भी अंदर में भेद ज्ञान वर्तता है, पर उसके अनुसार जीवन वैसा नहीं होता ना, इसलिए वो लोक प्रतिष्ठित नहीं है, लोक मान्य नहीं। चक्रवर्ती का यश चक्रवर्तित्व के कारण है, पुण्य है ना, तो पुण्य के कारण तो लोक में उसका यश फैलता है। कोई सामने खड़ा नहीं हो सके, कोई विरोध नहीं कर सके, जहां जावे तो हां साहब हम आपके अधीन हैं, बिना युद्ध किए। ये तो भरत बाहुबली का अपवाद मार्ग था, क्या बोलते पंचम काल का था ना वो, है हुंडा सर्पणी काल का प्रभाव, इसलिए चक्रवर्ती को युद्ध करना पड़ा, अन्यथा एक बूंद खून की बहे नहीं और 6 खंड पर विजय प्राप्त हो जाती। अहिंसात्मक युद्ध है पूरा का, पुण्य ऐसा जबरदस्त। ये अंदर जो भेद विज्ञान की धारा चलती है, एक परमाणु को भी अपना नहीं मानते हैं, ये तो वो अंदर में वो जानते हो, केवल ही जानते हो। बाहर देखने वाले को तो ऐसा लगे कैसा भेद विज्ञान है, एक परमाणु मेरा नहीं है और फिर राज 6 खंड का चाहिए, ये क्या बात हुई है। इसलिए सम्यक ज्ञान 4थे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में अंतरधारा होती है उसकी, तो भी जीवन में दिखाई नहीं देती, श्रद्धान में है। समझ में आया? यही तो गुण स्थान का स्वरूप है, यही तो जगत को विरोधाभास लगता है, इसलिए वो पूज्य नहीं होता। चतुर्गुणस्थान वाला पूज्य नहीं होता, तो असंयमी, देश संयमी की भी वैसी प्रतिष्ठा नहीं होती जैसी कि सकल संयमी की होती। इसलिए मुनि को याद की है, मुनिराज के जीवन में वह बोधि समाधि रत्नत्रय की आराधना खुलकर दिखाई दी। कैसे करते आराधना? आरंभ परिग्रह नहीं है, काय के लिए छोड़ दी। आरंभ परिग्रह का परिणाम रत्नत्रय की साधना में विघ्न उत्पन्न करता है, वो रत्नत्रय की साधना में बाधक है, बाधक भाव, आराधक भाव नहीं। बात समझ में आती है? कोई पर पदार्थ बाधा उत्पन्न करता है ऐसा नहीं, इन पर के प्रति ममता बाधा उत्पन्न करती है। अब देह के प्रति भी ममता नहीं रही तो राज्य के प्रति और स्त्री पुत्र इत्यादि के प्रति और धन वैभव के प्रति तो कहाँ रहेगी? अब देह के प्रति ममता नहीं रही, अब भोगों के बीच में क्यों रहना? अब घर के गृहस्थी की आग में क्यों जलना? अज्ञानी को ऐसा उल्टा सूझता है कि पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है तो घर छोड़ने की क्या जरूरत, घर में रहो आराम से साधना करो। अंदर पर द्रव्य मना थोड़ी करता है, करो, और भोग तो पर द्रव्य है। समझ में आया? ऐसे वो कुतर्क करते, मुझे दिखता है कि घर में आराम और ज्ञानियों को दिखता है घर में सजा। समझ में आया? काल सो कुटुंब काज जाल सो निवास, तन कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले सातन है। शरीर ये कारागृह है, स्त्री इत्यादि बेड़ी है, बागी भाई बहन सब कुटुंबी सब रखवाले हैं, भाग नहीं जावे, भाग नहीं जावे, भाग नहीं जावे। 2 महीने के लिए चला जावे देवलाल यार, तुरंत फोन आवे, कब आ रहे हो? यहाँ दुकान का काम पड़ा हुआ है, मजदूर है ना मुफ्त का है। और उम्र तक करता रहे करता रहे। राग के वश में जीव को गुलाम होने में गुलामी महसूस नहीं होती, अपने को इच्छा नहीं हो मजबूरन करना पड़े तो गुलामी महसूस होती,
समझ में आया। सरकारी नौकरी में गुलामी महसूस होती है हो गई अभी छुट्टी हो गई, फिर अपनी खुद की गुलामी चालू करे, खुद का धंधा दूसरी नौकरी चालू, आदत पड़ गई गुलामी। निवृत्त होकर के साधना करने का पहले संस्कार डाला नहीं, चिंतन किया नहीं, तत्व की रुचि नहीं, तो क्या करेगा, समय नहीं कटता। ज्ञानी कहते हमें तो समय कम पड़ता है, एक चैतन्य के चिंतन में, स्वाध्याय में, तत्व विचार में एक कीमती घड़ी वो हमको कम पड़ती, और ये कहते साहब हमारा समय नहीं कटता है, इसलिए दूसरी नौकरी कर ली। कितनी प्रिय है गुलामी, भोगों की गुलामी, विषयों की गुलामी, कितने पॉइंट है। इसलिए मुनिराज ने आरंभ परिग्रह का विकल्प तोड़ दिया, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। परिग्रह माने मूर्छा, मूर्छा के परिणाम को परिग्रह कहते। मूर्छा टूट गई यानी अब फिर गुलामी में रहने का क्या काम है। इसलिए मुनिराज को याद किया, बहुत अच्छा छंद लिखा है, दुर्लभ निज में मुनि साधु। देखो बाबा, मिथ्या दृष्टि मंद कथाए के कारण अनेक बार गिरवे तक उत्पन्न होकर अहमिंद्र पद को प्राप्त, उसको कहते हैं 9 गिरवे में होते ना, वो भी अहमिंद्र कहलाते, क्योंकि वहाँ छोटे बड़े का भेद नहीं होता, जैसे स्वर्गों में होता है इंद्र होता है, प्रतिंद्र होता है, सामान्य होता है, लोकपाल होते ना, सब उनकी कैटेगरी होती है स्वर्गों में, लेकिन स्वर्गों के ऊपर सब स्वतंत्र, सब अपने स्वयंभू स्वयं प्रभु, सब अहम इंद्र हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, सबकी रिद्धि वैभव इत्यादि एक शरीक ऐसा है। इसलिए सर्वासिद्धि के भी अहम इंद्र कहला, इनको भी अहम इंद्र कह, देखो अनेक बार गिरवेक तक उत्पन्न होकर अहम इंद्र पद को प्राप्त हुआ है, परंतु उसने एक बार भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। गजब बात है, क्या क्या उस अहमिंद्र पद ने उसको क्या दे दिया है। वहां भी विषयों की तृष्णा, विषयों की चिंतन, विकल्प जाल, मैं अहमिंद्र हूं, मुझे ये मिला है, कोई पर्याय में एकत्व बुद्धि, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, वही दशा है। क्योंकि एक वो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना वो अपूर्व है ना? आज भी एक शब्द आया था ना, अपूर्व है, और कोई एक शब्द और था उसके साथ में, ये पुरुषार्थ अपूर्व है, इस टाइप का एक शब्द था। उसे तो सोन्मुखता के अनंत पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अनंत मिथ्यात के विरुद्ध है ना, अनंतानुबंधी जाती ना, इसलिए अनंत पुरुषार्थ कहते। खरेखर तो अनंतानुबंधी में अनंत पुरुषार्थ नहीं होता, उसमें तो अल्प पुरुषार्थ होता, अकेली दृष्टि बदलना है बस, दृष्टि बदले तो सृष्टि बदली हुई दिखाई देती है। लीनता में विशेष उग्र पुरुषार्थ है, और लीनता में उग्र पुरुषार्थ है, और परिपूर्ण लीनता हो गई, छायिक चारित्र हो गया, अभी भी अनंत पुरुषार्थ प्रकट नहीं होता। समझ में आया, केवल ज्ञान होने पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट होता है। इन मिथ्यात की अपेक्षा वास्तव में दिशा बदलना ये बहुत बड़ी चीज है। गति तो ठीक है, गति तो कम होवे ज्यादा होवे, आज नहीं कछुए की चाल से चले तो भी कभी कभी पहुंचेगा ना, कभी ना कभी, लेकिन दिशा तो सही होनी चाहिए। गाड़ी जा रहे आप, बढ़िया रोड अच्छी दिखी, नई गाड़ी है, नई बना हाईवे आजकल बनता ना, 4 लेन का एक्सप्रेस हाईवे, लेकिन राइट के बजाय लेफ्ट टर्न ले लिया है, रोड बढ़िया है, बढ़े जाओ तेजी से बढ़े जाओ, क्या होगा, मंजिल से और दूर दूर होते जाएंगे। ऐसे अज्ञान दशा में जितने भी ये बाह्य क्रियाकलाप हैं धर्म के नाम पर, ये विपरीत दिशा वाले, इसलिए दिशा बदलने में विशेष पुरुषार्थ है, तो अनंत पुरुषार्थ है। पहले तो स्वीकार करके गलत दिशा में चल रहा हूं, यही बड़ी बात है, वहां से कोई बोल आ रहे तो बताइए, तो उल्टा हो गया, या तो जहां से आए थे वही चले गए अपन है, ये तो दूसरी जगह चले गए। बोर्ड दिखे ऐसे, गुरु बता रहे, सच्चे देव बता रहे, जिनवाणी बता रहे कि भाई ये अकेला बाह्य क्रियाकांड ये सुख भाव होता है, पर ये मोक्ष मार्ग की दिशा नहीं। समझ में आया, मोक्ष मार्ग की दिशा तो समझ से प्रारंभ होती, पहले 7 तत्व की भूल को स्वीकार करे कि हम अनादि से ऐसी भूल हमारी प्रणति में चल रही है,
क्या है अपने को सात तत्व संबंधी मूल पाठ में दिखाई देती किताब में है, इतने डाल में है, दूसरी डाल में है और सब जगह है, समय सार में है कि देह और जीव को एक मानता है, मूड है, अज्ञानी है, पर अज्ञानी मानते हैं कि मैं पर पदार्थों का कर्ता हूँ। ये तो अज्ञानी मानते, हम थोड़ी मानते हैं। अपनी परिणति में वर्तमान में अज्ञान है कि नहीं ऐसा स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी क्रांति। युगल जी ने लिखा है लेख में, बोलता हूँ ना बार बार गुरुदेव के बारे में जो लेख है उसमें, आखिर इस अज्ञान का अंत कैसे हो, थोड़ा अज्ञान का वर्णन किया फिर प्रश्न उठाया, आखिर इस अज्ञान का अंत कैसे हो, तो ये प्रश्न ही अज्ञान का प्राणांतक है। बहुत बढ़िया है, जैसे वृक्ष में पीपल में लाख उत्पन्न होने लगे तो समझ लो उसका सर्वनाश होने वाला है। पीपल में होने वाली लाख ही पीपल का नाश कर देती है, वैसे ये पीपल और लाख का उदाहरण दिया ना 72 गाथा में, बद्ध घातक है। ऐसे अज्ञान में ही प्रश्न खड़ा होता है, मंद कसाय हुए ना, मंद तत्व विचार होवे, मोह मंद होवे, अज्ञान ढीला पड़े और तत्व सुनने मिले तो उसको ऐसा लगे कि मेरा अनादिकालीन अज्ञान अनादिकालीन मोह दूर कैसे होगा। तो वो कहते ये अब तेरे को प्रश्न खड़ा हो गया ना अंदर से, बस हो गया, अज्ञान का अंत होना प्रारंभ हो गया, अज्ञान के अंत का शुभारंभ हो गया है। उन्मुक्ता के अनंत पुरुषार्थ द्वारा, देखो अकेले शास्त्र अभ्यास से, बाह्य धारणा से, शास्त्रानुकूल विकल्पों से होते हैं सब, शास्त्र अभ्यास होता है, यथार्थ तत्व की धारणा होती है, उसके अनुसार तत्व विचार होता है, वो तो विचार के साथ अंदर रस बढ़ता है तो मोह ढीला पड़ता है, वो मूल प्रक्रिया वो है। समझ में आया है, अंदर की प्रक्रिया वो है, रस बढ़ना चाहिए। अज्ञान मोह तीव्र होवे और शास्त्र ज्ञान होवे तो चैतन्य का रस नहीं बढ़े, उसको शास्त्र ज्ञान का रस बढ़ता, मान कसाय का रस बढ़ता। मैंने इतना पढ़ा है, हजारों पेज पढ़े हैं, इतना लिखा है, इतना छप गया है, इतना ये चला जाए, कहने की बात नहीं हो, कहने में दोष है ऐसा नहीं, वो तो कहे ही ना, सवाल तो रस का है, उन्मुक्ता के अनंत पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किया जाता है। और ऐसा होने पर विपरीत अभिप्राय आदि दोषों का अभाव होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मा के आश्रय से बोधि में सम्यक दर्शन ज्ञान तीनों को लिया है, चारित्र भी साथ में लेना यथा योग्य। आत्मा का आश्रय मतलब मैं ज्ञायक शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसी दृष्टि वो श्रद्धा ने आत्मा का आश्रय किया, और स्वसन्मुख उपयोग में एक चैतन्य रस का ही वेदन वो ज्ञान ने आत्मा का आश्रय किया, और उसमें उपयोग की आंशिक लीनता वो चारित्र ने आत्मा का आश्रय किया। आश्रय में तीनों गुणों का स्वसन्मुख परिणमन है। खरेखर तो स्वसन्मुख और परसन्मुखता का भेद ज्ञान में ही पड़ता है, है? ज्ञान स्वसन्मुख होता है तो बाकी सब गुण स्वसन्मुख, ज्ञान तो वो स्टीरिंग होता ना जैसे किस दिशा में ले जाना वो निर्णय वो करता है। पुण्य से सुबराग से जड़ कर्म आदि से नहीं होते सम्यक दर्शन ज्ञान, पुण्य से होता तो नौवें क्रियक तक गया लेकिन सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, वहां भी गुणस्थान नहीं पलटता। इस जीव ने बाह्य संयोग चारों गति के लौकिक पद अनंत बार प्राप्त किए, अनंत बार मनुष्य हुआ, सम्राट हुआ, जितना भी मिथ्या दृष्टि को ऊंची से ऊंची पर्याय हो जाती है ख्याल में आया ना, निश्चय समित लेकर के नारायण इत्यादि भी हो जाए फिर छूट जा रहे, किंतु निज आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्वानुभव द्वारा प्रत्यक्ष करके उसे कभी नहीं समझा, इसलिए उसकी प्राप्ति अपूर्व है, ये चीज कभी नहीं मिली। और बाकी पांच इंद्रिय के विषय भोग धन संपदा मकान पुण्य का वैभव बाहर का जड़ छाट वो तो अनंत बार मिला, पर मैं ज्ञायक हूं ऐसी दृष्टि और दृष्टि के साथ में होने वाला निराकुल अतिंद्रिय आनंद वो नहीं मिला। विषयों का आनंद तो अनंत बार भोगा तो भी जीव को अंतर में अभिप्राय में मिठास उसी की बनी रहती,
क्या करें आज, ये तो गहराई से तत्व विचार करे, भेद विज्ञान का विचार करे, परिणति में स्वभाव का रस बढ़े, प्रयास इसका करना चाहिए। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना, हजारों लोगों का ये प्रश्न है। ये सुनते सुनते इतने साल तो हो गए, जहां के तहां खड़े, क्यों खड़े जहां के तहां, उसके लिए तो आगे बढ़ना चाहिए ना थोड़ा है, उसको आगे बढ़ने की परिभाषा कुछ बाएं त्याग वगैरह होना चाहिए। वो तो त्याग तो अनंत बार हुआ, त्याग नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, है? लेकिन त्याग होने के पहले अंदर में होता क्या है, शुद्ध चैतन्य रस का गहन विचार, उसका रस बढ़ता है। जैसे विषय के प्रेमी को विषय का स्मरण मात्र से उसका रंग चढ़ता है, इमली बोलो तो मुंह में खट्टा स्वाद आने लगता है, बोलो है, बाबू भाई ने दिया था ये उदाहरण एक बार, इमली ऐसा बोला, सोचो इमली का कलर, सोचो उसका स्वरूप रंग रहा, तो उसी में मुख में खटास का रस बनने लगता है, गजब की उसमें ताकत है बता है, ऐसे तमाकू वाले को तमाकू का शब्द सुनते ही से ऐसा लगता है कि हाँ अभी अपना मतलब की चीज आई। पैसे के प्रेमी को पैसे के बारे में इसका भाव बढ़ गया कि इसका घट गया कि ऐसा हो गया, तो उसको पैसे का रस चढ़ता है। ऐसे आत्मा सी को चैतन्य की बात सुनने में उसका रस अंदर बढ़ता है, तो वो चीज प्राप्त होती है। किंतु निज आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्वानुभव द्वारा प्रत्यक्ष करके उसे कभी नहीं समझा, इसलिए उसकी प्राप्ति अपूर्व है। बोधि अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, उस बोधि की प्रत्येक जीव को भावना करनी चाहिए, उसकी प्राप्ति करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव स्व सन्मुखता पूर्वक ऐसा चिंतवन करता है। समझ में आया, बोधि की प्राप्ति हुई तो है पर चारित्र में अपूर्णता है ना। अपनी बोधि और शुद्धि की वृद्धि का बारंबार अभ्यास करता है, ये बोधि दुर्लभ भावना है। देखो इसमें पंडित साहब ने लिया है, उसमें है भूदास जी का है ना, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथारथ ज्ञान। जो थोड़े में बहुत कहने की पहले की कवियों की क्षमता बहुत बढ़िया थी। इसमें 32 पेज पर है, सामग्री सभी सुलभ जग में बहु बार मिली छोटी मुझसे, कल्याण मूल रत्न त्रय परिणति अब तक दूर रही मुझसे, इसलिए न सुख कालेश मिला पर मैं चिरकाल गवाया है, सद बोधि है तू पुरुषार्थ करूं अब उत्तम अवसर पाए। असल रस लगना चाहिए अंदर से है, रस लगाने के लिए उसका क्या उपाय है, सब समागम में रहना वो बाय उपाय है। विरुद्ध रस वालों के समागम में रहेगा तो ये रस कैसे लगेगा, पर वो भी रस पुष्ट होएगा, इसलिए सब समागम में रहना, नहीं हुए रुचि तो जबरदस्ती रहना, समझ में, बुद्धिपूर्वक रहना। वो क्या कहते हैं, क्या बात चलती है, क्यों सारी दुनिया से अलग टाइप की बात है, तो उसका तुलनात्मक विचार करो ना कि जगत की मान्यता क्या है और क्या बात चलती है, सबसे बिल्कुल उल्टी चलता है। जो जगत में मान्यताएं चलती है यहाँ तो विरुद्ध बात है, भोगों में सुख नहीं, पुण्य में धर्म नहीं, एक परमाणु मात्र भी आत्मा का है नहीं तो आत्मा उसकी क्रिया का करता नहीं, तो ये तो बात दुनिया में चलती नहीं, क्यों ऐसी है बात, उसको युक्ति से तर्क से आगम से विचार करें ना। अभी देखो अंतिम धर्म भावना, जो भाव मोहते न्यारे द्रग ज्ञान व्रता एक सारे, तो धर्म जब जिय धारे कब ही सुख अचल निहार। वाह, धर्म धारे तो अचल सुख निहार, अचल सुख अविनाशी सुख, मूर्ते भिन्न सार रूप सारे भाव, जिसमें सार रूप अर्थ किया है,
मोह से भिन्न ज्ञान दर्शन चारित्र इत्यादि की सबकी निर्मल परिणत सभी है। ये भी अर्थ है, इसमें सारे का अर्थ सार रूप किया है। मोह से भिन्न सार रूप अथवा निश्चय जो दृग ज्ञान वृतादि दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्र आदि भाव हैं, वो धर्म कहलाते हैं। दोपहर में आई थी ना भाव की चर्चा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव से ही संसार है, भाव से ही मोक्ष मार्ग है, भाव ही मोक्ष है। द्रव्य क्षेत्र काल तो एक कॉमन फैक्टर है, समझ में आया? द्रव्य माने क्षेत्र काल और भाव को धारण करने वाली सत्ता, क्षेत्र माने द्रव्य का विस्तार, काल माने द्रव्य की अखंड वृत्ति, भाव माने द्रव्य का स्वभाव, उसका स्वरूप, उसकी शक्ति। ये भाव में आता है। विभाव में संसार में अज्ञान दशा, संसार स्वयं विभाव है। आज आए तक स्त्री पुत्र इत्यादि ये सब संसार नहीं है, संसार तो राग द्वेष परिणति, इसका नाम संसार है, वो भी भाव है। विकारी भाव मोहराग द्वेष आदि भाव वो संसार है। अब भाव का भाव भाषण करने की कोशिश करो। क्या कहा? भाव का भाव भाषण। जैसे किसी को रुपए पैसा बोलो तो उसका भाव ख्याल में आ जाता है ना, कि 2 करोड़ रुपया कमाया, एकदम से पावर आता है अंदर, वो भाव समझता है 2 करोड़ रुपए का क्या मतलब है, हैं? ये मकान ले लिया, ये ऐसा कर लिया, दुनिया भर का समझ लो। अभी चुनाव जीत गया, कितने ढोल नगाड़े बजते हैं, अरे क्रिकेट में मैच जीत जा रहे, जीतने वाला जीतता है और इधर सारा देश खुशियां मनाता है, उसका भाव उसको भाषण होता है, रस का वेदन होता है, समझ में आया? भाव माने भाव इत्यादि है चार। वैसे तो भाव माने शक्ति होता है, गुण को भी भाव कहते हैं, और गुणों के परिणमन में उस जो गुणों के अनुसार भावों का प्रवाह होता है ना, उसको भी भाव। क्या कहा? श्रद्धा गुण भी भाव है, भाव कह रहे अनंत गुणों का अखंड पिंड, वो भी स्वभाव है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र इत्यादि और उसकी जो क्षण क्षण काल के प्रवाह क्रम के अंश में जो उसका परिणमन होता है, तो श्रद्धा के परिणमन में श्रद्धापना, ज्ञान के परिणमन में ज्ञानपना, चारित्र के परिणमन में स्थिरतापना, सुख में निराकुलपना, वीर में बल, ऐसा एक एक गुण के परिणति में उसका भाव होता है। जैसे शक्कर मीठी है तो मिठास की मानो उसमें शक्ति है, दूध में डालो तो दूध में वैसा मीठा बनावे, खीर में डालो तो खीर में मीठा बनावे, दाल साग में डालो तो उसमें वैसा मीठा बनावे, समझ में आया? जहाँ जिसके साथ में उसका प्रणमन होवे उसमें मिठास आवे, वो गुण हर परिणति में अपना काम वही करता है। ये भाव का बहुत गहरा विचार करने की गुंजाइश बहुत है, कहने में कम आता है। विचार करने की गुंजाइश बहुत। जयंती भाई, भाव का भाव भाषण करना, जब मैं आऊं वापस तो मुझे याद दिलाना कि आपने ऐसा कहा था जाते जाते कि भाव का भाव भाषण करना चाहिए। भाव भाषण है ना, भाव का भाषण, भाषण माने ज्ञान में ख्याल में आना, कैसा है उसका स्वरूप। ये भाव दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्र आदि भाव हैं, वो धर्म कहलाता है। है इमली का जब जीव उसे धारण करता है तभी वो अचल सुख मोक्ष निहारे, वाह कैसा शब्द है, मोक्ष प्रकट हुआ उसे जानता है। देखो निहारे का ये अर्थ सब अर्थ है, मोक्ष रूप परिणमित होता है, मोक्ष में जो अनंत सुख प्रकट होता है उसे भोगता है, और ज्ञान में बंध और बंध का अभाव हुआ और मोक्ष प्रकट हुआ ऐसा जानता है। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान खरेखर बंध मोक्ष रूप नहीं होता। हाँ अभी तो कल 319 गाथा आएगी, फिर बाद में 320 आएगी, मैं रास्ता देखता हूँ थोड़ी जल्दी आ जावे। थोड़ा 320 गाथा की भी तो प्रसादी मिले, गुरुदेव को बहुत प्रीत, खासकर उसकी जैसन आचार्य की टीका है ही टीका कमाल की। वो टीका ना भाई, जो भी उसमें 5 भावों की चर्चा है, खरेखर 320 गाथा की नहीं है। हाँ पढ़ना उस टीका को ध्यान से, उसमें ऐसा है कि जयसेनाचार्य ने मोक्ष अधिकार ये गाथा तक लिया है, 320 गाथा तक। अमृतचंद्र आचार्य ने मोक्ष अधिकार 307 गाथा में पूरा किया,
और 308 से सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार से लिखा ना, अथ प्रविशति सर्व विशुद्ध, उनके हिसाब से मोक्ष अधिकार 320 गाथा तक चला है, और उसमें 20-25 गाथाएं बीच में बढ़ गई है, तो 340-42 गाथाएं जैसे नाचार्य की टीका में। तो पहले तो उन्होंने इसका बहुत सिंपल अर्थ किया, जो गाथा का अर्थ है वही अर्थ टीका में कर दिया, फिर स्पेशल एक्स्ट्रा उसकी चूलिका लिखी। हाँ, ये जैसेनाचार्य देव ने मोक्ष अधिकार की चूलिका लिखी, ऐसा लिखा है कब मोक्ष अधिकार की चूलिका लिखते, तो पांच भावों में कौन सा भाव मोक्ष का कारण है, मोक्ष अधिकार है ना उनके हिसाब से, तो है तो पांच भावों में कौन सा भाव मोक्ष का कारण है उसका विशेष व्याख्यान करते। तो अब वो जैसेनाचार्य ने उसका पूरा पांच भावों का वर्णन किया, उसमें सकल निरावरण ये सब बात आती है। वो मोक्ष अधिकार की चूलिका है, चूलिका मतलब समापन में विशेष कहना होता है ना, वो कहते जो कहा गया है उसको उसके सार को दोहराना है, अथवा जो छूट गया हो और विशेष कहना हो उसको कहना, ये सब परिशिष्ट में या चूलिका में आता है। अब इसमें गुरुदेव लेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, वो बात तो आएगी सब है। हाँ, 10 प्रवचन है ना। हाँ, ये तो बहुत, ये तो गजब की बात है। दो चार बार तो लालचंद भाई ने जयपुर में ली है, लालचंद भाई को भी बहुत पसंद थी। ये तो अध्यात्म का रस ही ऐसा है, दृष्टि के विषय की बात आवे और आत्मा की झूमने लगे ऐसा है भाई। देखो महावार इसमें से आया ही, बंद और मोक्ष को निहार है। पहले ज्ञानी जब बंद अवस्था थी, उदय था, संबंध निर्जरा थी, तो उसको जानते थे। अभी मोक्ष प्रकट हो गया तो मोक्ष हो गया ऐसा हम जानते हैं, गजब बात है। इसमें तो भाव नहीं है, इसमें तो परिणमित होता है, भोगता है, आनंद भोगता है, इसमें तो सब है। ये अपने को तो निहार है, लिखा है ना, प्राप्त करता है लिखा ना, अर्थ देखता है और प्राप्त करता है। मोह अर्थात मिथ्या दर्शन अर्थात अतत्व श्रद्धान, उससे रहित निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही सार रूप धर्म है। व्यवहार अर्थात्र वो धर्म नहीं है, ऐसा बताने के लिए इस गाथा में सारे शब्द का प्रयोग किया है। जैसे हिंदी में बहुवचन है सारे यानी सभी, इसमें सारे माने सार रूप, सार निकाला है। तीन भुवन में सार है ना, तीन भुवन में सार। जब जीव निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को स्वाश्रय द्वारा प्रकट करता है, तभी वह स्थिर अक्षय सुख प्राप्त करता है। व्यवहार रत्नत्रय तो खरेखर रत्नत्रय का उपचार है, जैसे कागज के डब्बे में मिठाई रखी हुए तो उसको मिठाई का डब्बा बोलते हैं, मिट्टी के घड़े में घी रखा हुए तो उसको घी का घड़ा कहते हैं। ऐसे शुभ भाव रूप परिणति के भीतर अंदर में वितरागता की धारा बहती हुए तो वो शुभ भाव रूप परिणति को और बाह्य क्रिया को भी धर्म कहते, रत्नत्रय कहते, चारित्र कहते। समझ में आया? ये खरेखर तो वो पराश्रित परिणाम शुभ भाव, यही निर्णय करना भी तो पसीना आता है। शुभ राग में धर्म नहीं है, वो बंध का कारण है। 45 वर्ष तक गुरुदेव जैसे प्रचंड पुरुषार्थी हैं, अपनी वज्रवाणी में ये कह के गए, समाज ने सुना, जिसकी होन आ रहे उसको जच गया, बाकी को भी ना एकांत है, एकांत है, तो निश्चय की बात, निश्चय बात, ये पुण्य में धर्म नहीं है ऐसा बताते, ये तो निश्चय वास लगता है। उसको ऐसा लगता है छोड़ दो, धर्म नहीं है तो क्यों करना। छोड़ना और नहीं छोड़ना ये तेरी भूमिका के पुरुषार्थ पर आधारित है, पर निर्णय पहले करना तत्व का, वस्तु स्वरूप का, अभी तो उसकी बात चलती। इसलिए मैंने कहा सही दिशा होना उसकी बहुत कीमत है। जब ये जीव निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को स्वाश्रय द्वारा प्रकट करता है, तभी वह स्थिर अक्षय सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार चिंतवन करके धर्मी जीव ऐसा चिंतन करते हैं कि रत्नत्रय की प्राप्ति, रत्नत्रय की पूर्णता वही मुक्ति का मार्ग है, और रत्नत्रय पूर्ण होने पर तत्काल अंतर मुहूर्त में मुक्ति प्रकट होती है। रत्नत्रय पूर्ण कब होता है? चारित्र हुआ ना, तो वहां चारित्र की पूर्णता हुई, तत्काल अंतर मुहूर्त में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रकट हो जाता है। इस प्रकार चिंतवन करके
सम्यक दृष्टि जीव सोन्मुखता द्वारा शुचि की वृद्धि बारंबार करता है, शुद्धि शुद्धि की वृद्धि, ये धर्म भावना हुई है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था हम भी न रहे जग के साथी। धर्म धर्म मतलब वितराग भाव, लोगों ने धर्म मतलब ये बाहर का पूजा पाठ मंत्र तंत्र जंत्र, इसमें जगत को धर्म दिखाई देता। कोई नगर में ऐसा धर्म बहुत चलता हो तो टीवी वाले बंद, देखो धर्म नगरी, इसमें लोगों को धर्म की बहुत भावना बहुत जग रही है। अज्ञान का पोषण करते हैं जीव तो भाई, देखो इसमें धर्म भावना। शुभ अशुभ कसायों रहित होय सम्यक चारित्र प्रगटाऊंगा, बस निज स्वभाव साधन द्वारा निर्मल अनर्घ पद पाऊंगा। माला तो बहुत जपी अब तक अब निज में निज का ध्यान, वाह। माला तो बहुत जपी अब तक अब निज में निज का ध्यान करूं, कारण परमात्मा अब भी हूं पर्याय में प्रभुता प्रगट। इसका नाम है धर्म है, पर्याय में स्वभाव में प्रभुता है उसको स्वीकार करना तो पर्याय में प्रकट हो जाएगी, उसका नाम धर्म है। जो स्वभाव सुखरूप है उसको ध्याऊं आज, दुखमय राग विनष्ट हो पाऊं सिद्ध समाज। आध्यात्मिक है और प्रचलित पद्धति के अनुसार। अभी देखो इसमें समापन मुनिराज का स्वरूप, अभी छठवीं डाल प्रारंभ करना ना, उसका मौसम बनाते हैं। तो धर्म मुनि ने करी धरिए तीन की कर तूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछान। वाह, ऐसा रत्नत्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है। ये मुख्यता गौणता की अपेक्षा बात है, श्रावकों को होता है पर वो गौण है। असल में क्या है कि श्रावक को विषय कषाय का परिणाम होता है ना, तो उसकी मनोवचन का है कि चेष्टा वैसी होती, इसलिए वो ही दिखाई देती, जगत को वो ही दिखती है। उसके अंदर परिणति जो है वो तो मंद है, बाकी ऊपर से तो ये हावी रहती है। मुनिराज का खुल गया मामला सब, आरंभ नहीं परिग्रह नहीं विकल्प नहीं राग द्वेष नहीं, बस एक चैतन्य की साधना आनंद में रहना, विकल्प भी आवे तो उसी के ही आवे रत्नत्रय के पोषण के। तो विषय कषाय नहीं है जिसके, तो उसका तो जीवन में वही दिखता है ना, इसलिए लगता है कि वही धर्म के धारक धर्मी वही धन्य है। इनकी करतूत, ये थोड़ा हिंदी में करतूत शब्द जो है वो गुड सेंस में नहीं होता है, बैड सेंस में होता है सर। देखो तुम्हारी करतूत बतावे तुम। तो वो है कारस्तानी करतूत, ऐसा कलाकारी तिनकी करतूत। लेकिन यहाँ पे तो ये तो यहाँ तो समझ लो अभिनंदन के ही अर्थ में है। उनकी क्रियाएं, उनकी बाह्य क्रियाएं, उनकी जीवन पद्धति, उनका जीवन शैली का वर्णन करते। ताको सुनिए भवि प्राणी, वाह हे भव्य जीव उसे सुनो और अपने आत्मा को अनुभव को पहचान। वाह, मुनियों की करतूत सुनेगा तो आत्मा के अनुभव की पहचान हो जाएगी। वो अनुभवियों की करतूत है भाई, है विषय कसाई जीवों की करतूत नहीं है, वो तो चैतन्य के स्वरूप के अदूल साधक उनकी करतूत है। भावार्थ छोटा है, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते, अरे दूसरा नहीं कर सकता है। अरे जो अंगीकार करते हैं उसकी बाह में नग्न दिगंबर दशा ही होती है, समझ में आया, इसलिए दूसरा नहीं कर सकता है तो किसी ने मना किया है ऐसा थोड़ी है। जब उसका परिणाम इस जाति का हो जाएगा रत्नत्रय का ऐसा, तो फिर उसकी श्रद्धा ज्ञान चारण आचरण वो तो सब इसी के अनुकूल होगा ना। आगे उन मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया जाता है,
ये वो गौण है, यहाँ तो मुख्यता की बात है ना। सगुणस्थान वाला करता है लेकिन बताए ना, उसकी तो विषय कषाय परिणति हावी रहती है तो वो ही दिखती। हे भव्यो, उन मुनिवरों का चरित्र सुनो और अपने आत्मा का अनुभव करो। वाह वाह, अभी तो उतना समय नहीं, छठवीं डाल तो बाद में शुरू होगी, थोड़ी बहुत तो अभी करेंगे, है दो चार दिन है ना अभी, कितना देखो पांचवीं डाल का सारांश पढ़ते। ये बारह भावनाएं चारित्र गुण की आंशिक शुद्ध पर्याय, अकेला विकल्प नहीं, परिणमन आंशिक शुद्ध पर्याय, इसलिए वे सम्यक दृष्टि जीव को ही हो सकती हैं। अज्ञानी को तो विकल्प होता है, मंद कषाय होती है, मूल की मंदता में विचार इत्यादि भी करता है, ज्ञानी को परिणमन होता है। सम्यक प्रकार से ये बारह प्रकार की भावनाएं भाने से वीतरागता की वृद्धि होती है। उन बारह भावनाओं का चिंतन मुख्य रूप से तो वीतरागी दिगंबर जैन मुनिराज को ही होता है, तथा गौण रूप से सम्यक दृष्टि को होता है। सम्यक दृष्टि को फुर्सत कहाँ है, अवृत सम्यक दृष्टि। गृहस्थों को समझ लो, है धंधा व्यापार विषय कषाय के परिणाम में बारह भावना का ज्यादा विकल्प नहीं आ रहा। मंदिर जाए, शांति से बैठे, भावनाएं पढ़े, चिंतन करे तो चांस मिलता है। जिस प्रकार पवन के लगने से अग्नि भभक उठती है, उसी प्रकार अंतरंग परिणामों की शुद्धता सहित उन भावनाओं का चिंतन करने से समता भाव प्रकट होता है। कहा था इन चिंतत सम सुख जागे, धीमी ज्वलन पवन के लागे। कितना सुंदर है, चिंतन करने से समता सुख प्रकट होता है और उससे मोक्ष सुख प्रकट होता है। सोन्मुखता पूर्वक इन भावनाओं से संसार शरीर और भोगों के प्रति विशेष उपेक्षा होती। वाह, हाँ अभिप्राय में तो पहले थी, अभी चारित्र में होती है। और उपेक्षा का मतलब उदासीन परिणाम, उपेक्षा मतलब द्वेष नहीं, उस तरफ लक्ष्य नहीं, समझ में आया। जैसे अपन को मान लो बाजार जाते हैं और कपड़ा खरीदना है तो बाकी की दुकानों का लक्ष्य ही नहीं करते, तो उसकी उपेक्षा हो गई, वो तो पत्थर थोड़ी मारते हैं। उपेक्षा मतलब द्वेष नहीं, उस तरफ लक्ष्य नहीं करते। और आत्मा के परिणामों की निर्मलता बढ़ती, इन बारह भावनाओं का स्वरूप विस्तार से जानता हो, जानना हो तो स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ज्ञानार्णव में भी है आदि ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। अनित्यादि चिंतन द्वारा शरीर आदि को बुरा जानकर, अहितकारी मानकर उनसे उदास होने का नाम अनुप्रेक्षा नहीं है। द्वेष नहीं होना चाहिए, टोडरमल जी ने लिखा है, टोडरमल जी का वाक्य है, ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है, ऐसा लिखा है। क्योंकि ये तो जिस प्रकार पहले किसी को मित्र मानता था, तब उसके प्रति राग था और फिर उसके अवगुण देखकर उसके प्रति उदासीन हो गया, उसी प्रकार पहले शरीर आदि से राग था किंतु बाद में उनके अनित्यादि अवगुण देखकर उदासीन हो गया, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। पूरा वही पैराग्राफ उतारा, किंतु अपने तथा शरीर आदि के यथावत स्वरूप को जानकर, भ्रम का निवारण करके उन्हें भला जानकर राग न करना तथा बुरा जानकर द्वेष न करना, ऐसी यथार्थ उदासीनता के हेतु अनित्यादि आदि का यथार्थ चिंतन करना सच्ची अनुप्रेक्षा है। देखो, राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना, भला जानकर राग नहीं करना, इसका अर्थ है कि भला भी नहीं जानना और राग भी नहीं करना। कोई ऐसा मिसयूज कर, भला जानना पर राग मत करना। बोलो अनिल, भला जानकर राग नहीं करना है ना, तो भला जान लेना, राग मत करना। अरे भला जानेगा तो राग हुए बिना, वो नेगेटिव डबल है, लिखा सिंगल है, न तो भला जाने और न राग करे, न बुरा जाने न द्वेष करे। बुरा नहीं जानेगा तो अनंतानंदी द्वेष नहीं होगा, बाकी और भी द्वेष नहीं करें। ये पांचवीं डाल का अपन ने रसा स्वादन किया, कल से छठवीं डाल प्रारंभ करें।